अभी देखिए आइस फ्लैट जैसे जा रहा है वो पूरा ग्लेशियर है, आप देख सकते हैं एकदम प्लेन, और बहुत दूर में स्केट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, पूरा एरिया ग्लेशियर का एरिया है, और उधर एकदम प्लेन लैंड जैसे लगेगा मगर वो ग्लेशियर है। इसका उदाहरण आपको उधर मिलेगा, देखिए ग्लेशियर का पानी धीरे धीरे गल रहा है और लेक फॉर्मेशन हो रहा है, तो उधर ये जो इंटायर एरिया है वो ग्लेशियर का है और थोड़ा पानी निगल के उधर वाटरफॉल होके नीचे जाता है। यहाँ पे देखिए एक मशीन है, इससे आप देखेंगे ना तो दूर में क्या पहाड़ है उसका नाम दिखाई देगा, उसका हाइट कहाँ कितना है वो भी दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। तो दोस्तों अभी हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए आए हैं और रेस्टोरेंट बहुत ही विशाल है, बहुत सुंदर सा रेस्टोरेंट है लेक व्यू, आप देख लीजिए। सो इट्स ह्यूज एक्चुअली एंड बहुत सुंदर सा व्यू है रेस्टोरेंट का। तो हम लोग अभी देखेंगे, देख रहे हैं कहाँ बैठना है, तो बहुत सुंदर सा व्यू है। हम लोग आई थिंक वी कैन सिट हियर आल्सो, दैट वन इज हैव अ डेस्क राइट, सो दिस इज द होटल रेस्टोरेंट विच इज ह्यूज एंड आई शो यू द फूड। दिस इज ब्रेड, दिस इज वेरियस टोस्ट, दिस इज सम bread which is sweet bread, this is another bread, this is queso, you guys have seen, this is jam jelly, this is plates, this is water, these are the juice, and you have multivitamin juice, everything, you have cornflakes, and you have small bread and the fruit, various fruit is there, peach is there, and then apple is there, then orange is there, lot of things, and then you have hot foods which is like the main food, this is like sausage, bacon and chicken and pork sausage, both are there. Then you have beans and baked tomatoes, then you have scrambled eggs and hash browns, then you have lot of eggs, and then you have some eggs outside and some Swiss cheese. Yes, yes. Yes, yes, you're right. And these are your actual roasted food, which is like you have chicken sausage, chicken, bacon, and you have various cheese, you have fruits, you have yogurt, and this is actually pretty nice. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लेशियर 3000 जो मॉन्ट्रू से 1.5 hour जर्नी है टूवर्ड्स मैटरहॉर्न हिल एरिया। ऑल्दो फ्रॉम ग्लेशियर 3000 मैटरहॉर्न और भी थोड़ा दूर है मगर उसी लाइन पे पड़ता है। तो हम लोग अभी सुबह जल्दी निकल गए क्योंकि आज बहुत कुछ देखना है मॉन्ट्रू में, वेवे में बहुत कुछ देखना है, तो हम लोग जल्दी जल्दी ग्लेशियर देख के वापस आ जाएंगे। और अभी सुबह करीबन 7:30 बज रहा है तो स्ट्रीट लगभग बहुत एम्प्टी है, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा दिखता है मॉन्ट्रू का सुबह का नज़ारा। आज वीकडे है तो ऑफिस खुलेगा, ऑफिस लोग जो लोग ऑफिस में काम करते हैं वो लोग भी जाएंगे, तो मगर मोर ऑर लेस ट्रैफिक 9 बजे के साथ ही शुरू होता है। हालांकि मॉल्स वगैरह सब खुल गया है मगर ट्रैफिक करीबन 9 बजे ही शुरू होता है। तो चलिए हमारे साथ और देखते हैं मॉन्ट्रू का
सुबह का नजारा। ये देखिए एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आप लेक जा सकते हैं, इतना ऊंचा है ये पहाड़ में, तो आप नीचे जाके लेक जा सकते हैं। हम लोग लगभग स्टेशन पहुँच गए, देखिए वो रहा रेल स्टेशन, हम लोग ऊपर जाएंगे, वो रहा ट्रेन स्टेशन, ये है रेल स्टेशन का पार्किंग। हम लोग थोड़ा आगे जाके मेन से एंट्री लेंगे और देखिए कितना सुंदर फ्लावर डेकोरेशन है, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं मॉन्ट्रू गेट, जो स्टेशन है ट्रेन स्टेशन है, ऊपर देख सकते हैं आप मॉन्ट्रू लिखा हुआ है स्टेशन में, और ये मेन ट्रेन स्टेशन है, और इधर से आप बोट राइड भी कर सकते हैं। बहुत सारा होटल रेस्टोरेंट इधर है, ये थोड़ा हॉट एंड हैपनिंग जगह है बिकॉज ऑफ रेल स्टेशन। तो देखिए बहुत सुंदर से डेकोरेशन किया हुआ है, और अभी मॉन्ट्रू का जैज़ फेस्टिवल चल रहा है इसीलिए डेकोरेशन और भी सुंदर है। तो हम लोग अभी रेल स्टेशन में जाएंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ गए हैं मॉन्ट्रू स्टेशन पे, और हम लोग ग्लेशियर 3000 जाने के लिए रेडी हैं। तो ब्रिग जाने वाली ट्रेन में हम लोग सवारी करेंगे, उधर से हम लोग आइगल जाएंगे और आइगल से कॉलिन जाएंगे, उधर से केबल कार में सीधा ग्लेशियर। तो अभी सुबह का मौसम है, बहुत ठंड है, हालाँकि अभी समर चल रहा है मगर ठंड है बिकॉज ऑफ द सुबह का वेदर, और सामने ही लेक के वजह से ठंड होता है ज़्यादा, लेक के वजह से बहुत ठंड होता है। तो अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड है ग्लेशियर देखने के लिए, और बहुत नाम सुना है, बहुत ही सुंदर जगह है। तो चलिए दोस्तों हमारे साथ चलते हैं ग्लेशियर के सफ़र पे। तो दोस्तों मॉन्ट्रू से आपको ग्लेशियर जाने के लिए आइगल में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग अभी 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, ये छोटा छोटा ट्रेन है, और यस एंड वी गोना गो टू लेस डायबलेट्स, दिस इज़ आवर ट्रेन गाइस। तो दोस्तों हम लोग फाइनली इस कमरे पे बैठ गए, इसमें एक्चुअली एसी है पर दूसरे में एसी नहीं था इसीलिए हम लोग चेंज किए। तो अजय ये ट्रेन कैसा तुम्हें लग रहा है? ये ट्रेन तो अलग है, दो ही शायद बॉगी है इसका, और हाँ बहुत अच्छा है, इसका कलरफुल है, बाहर से नॉर्मल जो ट्रेन एसबीबी का होता है इससे अलग है थोड़ा। तो यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ से शायद मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो हम लोग अभी ग्लेशियर की तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग अभी जाएंगे इस स्टेशन पे डायबलेट्स, और डायबलेट्स से हम लोग इधर से कॉलिन टू पिलंस में इधर केबल कार लेंगे टू रीच ग्लेशियर 3000। देखिए दोस्तों तो हम लोग अभी इधर जाएंगे लेस डायबलेट्स, इधर से हम लोग कॉलिन टू पिलान थोड़ा वॉक करके जाएंगे, उधर से केबल कार में ग्लेशियर 3000। ये पूरा माउंटेन एरिया है, ये माउंटेन और ये जुंगफ्राओ, ये जुंगफ्राओ हम लोगों ने आपको दिखाया था। तो जुंगफ्राओ में तीन जगह है, जुंगफ्राओ मॉन्क और डाइकर, जुंगफ्राओ टॉप ऑफ यूरोप है और ग्लेशियर 3000 फीट पे है इसीलिए इसका नाम है ग्लेशियर 3000। और लेस डायबलेट्स और एक माउंटेन है, तो इधर का लेस डायबलेट्स जो जाना चाहता है वो इधर से ट्रेक करके जा सकता है, इधर जाने का डायरेक्ट कुछ नहीं है। तो दीज आर योर टॉप पीक इन यूरोप, उसमें से सबसे बड़ा है जुंगफ्राओ 4158, उसके बाद ग्लेशियर है, मॉन्क है, और
और आइगर भी है, ये तीनों टॉप थ्री माउंटेन्स हैं। ये रेल ट्रैक से नहीं जा रहा है, ये रास्ते के ऊपर से जा रहा है दोस्तों। सी दिस इज अ रोड, इट इज गोइंग ऑन टॉप ऑफ ट्रेन। नहीं, ये ट्राम है। ये एक्चुअली ट्रेन नहीं है दोस्तों, ये ट्राम है। That is why it is going via road and it's awesome. It's wonderful actually. See, we can see the entire region, the entire city by going through the road. ये बहुत अच्छा experience है, इसीलिए हम लोगों ने ये train भी लिया है। और another thing is like this is, ये आपको कम समय पे पहुंचा देगा। अगर आप गोल्डन पास से जा रहे हो तो वो भी अच्छा एक्सपीरियंस है, मगर दैट विल टेक लाइक टू एंड हाफ आवर। मगर ये टोटल जर्नी आपको 1.5 आवर में कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर से आप पूरा शहर का अंदर का देखते देखते जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, एंजॉय करते हैं ये जर्नी। ड्राइवलेट्स जाने के लिए सरफेस से लाइन चेंज होता है बेसिकली, लेस सेपे नॉट सरफे। सो लेस ड्राइवलेट्स जाने के लिए सेपे से लाइन चेंज होता है, इंजन चेंज होता है। तो हम लोग इस लाइन से आए थे, अभी दूसरे लाइन पे चले जा रहे हैं। और अभी हम लोग ऊंचाई पे जाएंगे, जो लेस ड्राइवलेट्स है उधर से हम लोग ग्लेशियर की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, ये व्यू देखते हैं। तो फाइनली हम लेस ड्राइवलेट्स पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं इधर से कॉल टू पिलोन जाने वाली बस इधर लेफ्ट में मिलेगा। तो हम लोग अभी कॉल टू पिलोन जाएंगे, उधर से 180। सो हम लोग पहले कॉल टू पिलोन जाएंगे, उधर से केबल कार में ग्लेशियर 3000 जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, फाइनली जिस समय का इंतज़ार था हम लोग पहुंच गए हैं ग्लेशियर 3000, आप देख सकते हैं। और इधर से हम केबल कार लेके ऊपर की तरफ जाएंगे। ये जाता है, देखिए जितना दूर आपको आँख जाए उतना और भी
दूर में है, तो जब हम लोग चढ़ेंगे आपको दिखाएंगे। और देखिए इधर का ऑल्टीट्यूड है 3000 मीटर, ये देखने के लायक है, इसीलिए इसका नाम दिया है ग्लेशियर 3000। तो बहुत सारे लोग आए हैं, हम लोग भी जाएंगे। बहुत सुंदर सा एरिया है, बहुत खाली खाली एरिया है और ह्यूज जगह है खाली। इधर से आप ट्रेक करके भी जा सकते हैं, मगर हम लोगों का तो उतना समय नहीं है ट्रेक करके जाने का, तो हम लोग डायरेक्ट केबल कार से ही जाएंगे। हाँ, अभी हम लोगों को वाउचर को इनकैश करके टिकट लेना पड़ेगा, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं इस केबल कार में, देखिए टी शर्ट का लोगो है और हम लोग एकदम जाएंगे ऊपर। हम लोग अभी चल रहे हैं केबल कार, तो एकदम सामने आएंगे ऊपर का व्यू देखने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ। तो इसका जो केबल कार है बहुत बड़ा है, और मगर सिंगल केबल कार नहीं है, जैसे हम लोगों को माउंट एटलस में चाहेंगे, माउंट एटलस में जहां हमको मिला था वैसा ये नहीं है, ये थोड़ा बड़ा है। तो बहुत जूम प्रो में भी ऐसा, हाँ करेक्ट, हाँ तो इधर थोड़ा छोटा है, आई मीन बड़ा है मगर शेयर्ड है एक्चुअली। तो हम लोग एकदम ऊपर जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसा है व्यू। दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं 25 मीटर पे, अभी इधर से ऑलमोस्ट और 500 मीटर ऊपर जाना है। तो ये एक स्टॉप है, इधर से आपको चेंज करके और एक स्टॉप से ग्लेशियर 3000 तक जाएंगे। तो इधर बहुत थोड़ा ठंड है बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 2500 मीटर, तो मगर हमको उतना अभी ठंड नहीं लग रहा है बिकॉज नीचे बहुत ही गर्मी था। तो अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और शायद जैकेट लेना पड़े फिर से। तो हम लोग अभी नेक्स्ट 500 मीटर स्टॉप के लिए रवाना हो रहे हैं, चलिए दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग और 500 मीटर ऊपर जाएंगे, तो थोड़ा ठंड तो है मगर व्यू बहुत ही सुंदर है। देखिए दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट केबल कार भी आ गया, तो इधर से ही हम लोग जाएंगे और जाएंगे ऊपर। लास्ट लेग पर हम लास्ट जो केबल कार है उसमें हम बैठ गए। अजय को बहुत ठंड लग रहा है, मेरे को एकदम भी अभी तक नहीं लग रहा है, तो ऊपर चलते हैं देखते हैं कैसा है। अभी तक एकदम समर चल रहा है मगर फिर भी आप देख सकते हैं थोड़ा बर्फ़ है अभी भी, और ऊपर भी होगा ये मुझे लगता है। तो चलिए देखते हैं ऊपर कैसा है, और चलिए हमारे साथ नेक्स्ट 500 मीटर एंड टू द लास्ट स्टॉप ग्लेशियर 3000।
दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए ग्लेशियर 3000। ये सुवेनियर शॉप है, इधर से आप शॉपिंग कर सकते हैं। मगर हम लोग अभी क्लिफ वॉक पे जाएंगे, जो टी शर्ट का मेन वॉक है, एंड देखेंगे कैसा है सस्पेंशन ब्रिज। बहुत सुंदर है। तो सुवेनियर शॉप हम लोग बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले हम लोग पीक वॉक चलेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग फर्स्ट सेकंड लेवल पे आ गए हैं और पीक वॉक थोड़ा ही ऊपर में है, आप जा देख सकते हैं। ये है पिकनिक स्पॉट जहाँ हम लोग खड़े हैं। और हाँ वो अटक गया है, अभी देखिए आइस फ्लैट जैसे जा रहा है, वो पूरा ग्लेशियर है आप देख सकते हैं, एकदम प्लेन। और बहुत दूर में स्केट कर रहे हैं आप देख सकते हैं, पूरा एरिया ग्लेशियर का एरिया है। और इधर एकदम प्लेन लैंड जैसे लगेगा मगर वो ग्लेशियर है। इसका उदाहरण आपको उधर मिलेगा, देखिए ग्लेशियर का पानी धीरे धीरे गल रहा है और लेक फॉर्मेशन हो रहा है। तो उधर ये जो इंटायर एरिया है वो ग्लेशियर का है और थोड़ा पानी निगल के उधर वाटरफॉल होके नीचे जाता है। बहुत हवा है मगर वी आर लकी कि आज स्काई एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इसीलिए व्यू बहुत सुंदर सा आ रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे और आप लोगों को क्लिप वॉक दिखाएंगे। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बहुत सारे इधर स्टेयरकेस हैं तो धीरे धीरे चढ़ाई कर रहे हैं। तो हम लोग पीक पॉइंट पे जा रहे हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं पीक पे, जो क्लिफ वॉक है। और अजय बहुत एक्साइटेड है। अजय तो यहाँ पे देखिए एक मशीन है, इसे आप देखेंगे ना तो दूर में क्या पहाड़ है उसका नाम दिखाई देगा, उसका हाइट कहाँ कितना है वो भी दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं कुछ आता है कि नहीं। हाँ, और ये क्या है, ये ही मेन पीक वॉक है बाई टी शॉर्ट, आप देख सकते हैं पीक वॉक बाई टी शॉर्ट। तो चलिए चलते हैं, ये पीक वॉक आप देख सकते हैं, ये पूरा हैंगिंग ब्रिज है एंड दिस इज़ वेरी फेमस ब्रिज इन स्विट्ज़रलैंड एंड ग्लेशियर 3000। तो ये ब्रिज पूरा हिलता है एंड स्नो के समय पे पूरा नीचे स्नो रहता है। एंड इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाई टी शॉर्ट, दैट्स वाई इट इज़ रिटन पीक वॉक बाई टी शॉर्ट। अभी बहुत विंड है, हम क्लिफ पे आ गए, क्लिफ वॉक प्रेजेंटेड बाय रिसॉर्ट। और ये देखिए बहुत सुंदर सा व्यू है, इधर अजय जय कर लिया है पीक को। इतना ठंड है इधर कि हवा में आवाज़ भी कितना आ रहा है कि नहीं पता नहीं, मगर हम कोशिश करेंगे। देखिए
तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं लेडी बियर्ड। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं स्टेशन जहाँ से हम लोग जाएंगे, मेन स्टेशन। हाँ तो यही वो ट्रेन है आए थे। हाँ जाएंगे तो ये आपको आईगल लेके जाएगी और उसके बाद उधर से हम लोग ले जाएंगे। तो चलिए हमारे साथ।